जय श्री राम, हर हर महादेव। ये यज्ञ जो हो रहा है श्रृंगार पति मठ पे, जी, इससे क्या फायदा और इसका क्या नाम और किस लिए पड़ा ये सब? देखिए, तो सबसे पहले एमपी कुल एसपी मठिया जो ये चैनल है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सादर धन्यवाद कि जो आप लाइव प्रसारण के द्वारा आप इतना बड़ा आयोजक को दूर देशों तक पहुंचा रहे हैं। इस यज्ञ के बारे में जानना चाहेंगे तो यहाँ पे हर एक साल यज्ञ होता है, और इस बार जो महायज्ञ हो रहा है इस महायज्ञ का नामकरण है श्री शिव पार्वती गणेश महायज्ञ। यह जो मठिया है प्राचीन काल से है, यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा का पदार्पण हुआ है, बड़े बड़े संत महात्मा सब लोग का यहाँ पे आगमन होता रहता है, और हर एक साल यज्ञ होता है, उसमें समस्त भक्तों को कल्याण होता है, तो सभी भक्त वृंद यहाँ उपस्थित रहते हैं। और इस साल शिव पार्वती महायज्ञ है, तो इस साल शिव पार्वती महायज्ञ में भगवान शिव, मैया पार्वती, गणेश, यानी इससे परिवार में एकता सामंजस्यता बनी रहे और सब लोग एक दूसरे को जाने। जिस घर में पिता का पूजन होता है उस घर में माता का भी पूजन होना चाहिए, उस घर में पुत्र का भी पूजन होना चाहिए, सबका व्यवस्था बनाया गया है। साथ ही यहाँ आस्था का विषय है, तो यहाँ 12-12 घंटा, 24 घंटा, 72 घंटा के लिए भक्त वृंद संकल्प करके परिक्रमा कर रहे हैं। हम सब भी जाते हैं हर एक महायज्ञ में, कहीं 108 परिक्रमा करते हैं लोग, कहीं 51 लोग परिक्रमा करते हैं, यहाँ के भक्तगण 12 घंटा, 24 घंटा और 72 घंटा का परिक्रमा कर रहे हैं। यानी इससे यह ज्ञात होता है कि इस महायज्ञ में जो भी भक्त जिस आस्था को लेकर के आता है उसका मनोकामना पूर्ण होता है। जी, आपका शुभ नाम? जी, मैं आचार्य पंडित मनीष तिवारी। धन्यवाद। पूर्णमादाय पूर्णमेवाय वशिष्यते लंबोदरं परमसुन्दरमेकदण्डं सीताम्बरं त्रिनयनं परमां पवित्रां ओज्जयद्विवाकरणि भोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलपि नहरं नमामि सम्पूजकानां परिपालकानां जितेन्द्रियाणां च तपोधनानां देशे च राष्ट्रे च कुले च राज्ञा करोति शान्तिर्भङ्गरीशः महादेव शम्भुः।